चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की अपडेट सामने आ रही है, राजस्थान में महिला डॉक्टर के आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। डॉक्टर एकजुट हो गए हैं, इस आत्महत्या को आत्महत्या नहीं बल्कि एक राजनीतिक हत्या बता रहे हैं। राजधानी भोपाल में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला है, इसे लेकर डॉक्टर एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन और राजनीतिक दबाव के चलते महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की है, ऐसा डॉक्टर एसोसिएशन का मानना है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान खान जुड़न से जानेंगे। रिजवान, महिला डॉक्टर की जो आत्महत्या राजस्थान में हुई, अब उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक राजनीतिक हत्या है, क्या कुछ जानकारी? आत्महत्या की उसको लेकर आप सियासी जो है बवाल शुरू हो चुका है। साफ तौर से जो राजधानी भोपाल के डॉक्टर है उनका यही कहना है तो राजनीतिक एक स्टंट है और उसके दबाव में प्रेशर में आकर जो है महिला डॉक्टर ने जो है खुदकुशी की है और इसमें कड़ी निंदा उन लोगों ने की है। और एक नया एक्ट बनाने की जो है एक बड़ी बात कही है उन्होंने कि अर्चना एक्ट करके एक नया एक्ट बनाया जाए इसमें, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। और डॉक्टर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी कई बदलाव की बात जो है यहाँ के डॉक्टर ने कही है। डॉक्टर जो राहुल खरे हैं जो MD, उनका यही कहना है कि आप जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि लगातार जो है कोरोना काल में भी डॉक्टरों ने काम करा और इस तरह के आरोप लगना कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर ठीक नहीं है। रिजवान, काफी गंभीर आरोप लगाए हैं राजनीतिक दबाव में आत्महत्या की, किस क्या कारण इसमें बता रहे हैं डॉक्टर एसोसिएशन वाले? उनका यही कहना था गर्भवती महिला थी और जो डिलीवरी करते में डिलीवरी करते टाइम जो है मौत जो है महिला की हुई है, लेकिन इसमें कई केसेस ऐसे होते हैं जो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर नहीं होती है। साफ तौर से उसको लेकर जो मांग की है और बड़ी बात डॉक्टर ने आज ये भी कही है सब एकजुट होकर जो है पूरी शासकीय जो चिकित्सा सेवाएं वो बंद कर दी जाए, ताकि जो सरकार है और जो पुलिस प्रशासन है जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया था महिला डॉक्टर पे, मृतक महिला डॉक्टर पे, उनको समझ आ सके कि डॉक्टर की अहमियत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए।